Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. In the month of December, I visited Mumbai and Kolkata, had an interaction with a lot of shipping companies, professionals, and got to learn a lot of things. इस वीडियो के अंदर I'm going to talk about two important factors. When I was talking to companies, they're telling कि भैया seafarers, Indian seafarers की बहुत acute shortage है. Russia, Ukraine का war चल रहा है, Ukrainians नहीं मिल रहे, Russians नहीं मिल रहे हैं, China में COVID है, Chinese नहीं मिल रहे, Indians हमें बहुत चाहिए लेकिन लोग नहीं है. और एज अ सोशल मीडिया एडुकेटर मैं देखता हूँ तो हर तरफ मुझे लोग दिखते हैं, सर मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है. तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैं जितने लोगों से मिला उनसे मैंने जितनी चीज़ें सीखी उसमें जो कॉमन चीज़ें निकल गई मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ. सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास स्टैट्स नहीं है लेकिन ओपिनियन बेस्ड वीडियो, लेकिन ये ओपिनियंस भी कई बार मैटर करते हैं, एटलीस्ट क्लैरिटी देते हैं. तो जो मुझे चीज़ें समझ में आई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. पहली चीज़ जो पता चली, कंपनीज क्या करती हैं, आप अप्लाई कीजिए तो जब आपका सीवी जाता है तो आपका सीवी कंपनी देखती है. तो आपका सीवी देखा जाता है, वेट किया जाता है कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है. तो पहली बात है, फ्रेशर्स को बहुत दिक्कत हो रही है. एवरी कंपनी वांट्स एन एक्सपीरियंस पर्सन. ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है. जब जूनियर इंजीनियर्स ही नहीं होंगे तो फोर्थ इंजीनियर कैसे बनेंगे, जब फोर्थ इंजीनियर बनेंगे तो एक्सपीरियंस फोर्थ ईयर कैसे बनेंगे. बट ये चैलेंज है. तो फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है. दूसरा चैलेंज निकल के आता है, कंपनीज ये भी देखती हैं कि सब अच्छा, किसी सेकेंड ईयर का सीवी आया, अरे इस बंदे ने तो चार कंपनियां चेंज कर दी हैं पिछले 5 साल के अंदर, ये तो हमारे साथ भी नहीं टिकेगा, इसको नहीं लेंगे भाई. तो जो आदमी शिपिंग कंपनी बार बार चेंज करता है उसका रिज्यूमे खराब होता है और अच्छी शिपिंग कंपनी उसको नहीं लेती है. सपोज करो फिर थर्ड केस, कोई थर्ड इंजीनियर है. थर्ड ईयर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 6 मंथ्स के होते हैं बट देख रहे हैं बार बार शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है थर्ड इंजीनियर. दो कंपनी से चेंज करी है बट बार बार शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, 4 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, 5 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, अगेन 4 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर 5 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट. अरे दिस गाय इज अनस्टेबल यार, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसको नहीं लेंगे. तो यहाँ भी लोग रिएक्ट हो जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत जो इंपॉर्टेंट जगह पे रिजेक्ट किया जाता है सीवीज को, वो यहाँ किया जाता है कि वो किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं. अगर उन्होंने प्रीसी जिस इंस्टीट्यूट से करी अगर वो अच्छी नहीं है या कंपनी के नज़रिए में वो एक अच्छे लेवल पर नहीं आती है तो वो सीवी को सिलेक्ट नहीं करते हैं. सपोज जैसे कि मैं MERI कोलकाता से पढ़ाऊँ तो अगर सीवी जाएगा MERI कोलकाता का, अच्छा MERI कोलकाता से, अच्छा अरे कॉलेज अच्छा है तो चांस बन जाते हैं. लेकिन वही मैंने किसी XYZ कॉलेज से किया हो जिसका पता है कि नाम मार्केट में अच्छा नहीं है या ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, अच्छा इस कॉलेज से किया, नो वी विल नॉट टेक हिम. इसलिए आपका अच्छे कॉलेज से, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छी कंपनी में सेल कर सको. तो ये चीज़ें थी जो मैंने जानी, सीखी, समझी. बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ. स्पेशली सीनियर चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर्स, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच. जय माता दी.